और हमें कुछ सुराग अभी लगे हैं, जल्दी हमको। मध्य प्रदेश सरकार की पहली प्राथमिकता है गांव का विकास और गांव में ही लोगों को रोजगार, और इसी को लेकर सरकार ने पंच परमेश्वर योजना की दोबारा शुरुआत की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद कहते हैं हमारा हिंदुस्तान गांवों में बसता है। इसी पर पेश है हमारी एक स्पेशल रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सरकार की पहली प्राथमिकता है गांव का विकास और गांव में ही लोगों को रोजगार, और इसी को लेकर सरकार ने पंच परमेश्वर योजना की दोबारा शुरुआत की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वयं कहते हैं हमारा हिंदुस्तान गांवों में बसता है, गांव के विकास से ही देश और प्रदेश का विकास संभव है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण विकास के लिए पर्याप्त राशि पंचायतों को दी जा रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कुछ दिन पहले मंत्रालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के लगभग 6,000 सरपंचों पूर्व सरपंचों को संबोधित किया और इस दिशा में बेहतर समन्वय के साथ काम करने की बात कही। पंच परमेश्वर योजना से जुड़ी अहम बातें। सरकार ने पंच परमेश्वर योजना को दोबारा प्रारंभ किया। 14वें वित्त आयोग की 1830 करोड़ 7 लाख रुपए की राशि पंचायतों को भिजवाई। 1555 करोड़ रुपए अधोसंरचना विकास व पेयजल व्यवस्था के लिए, 275 करोड़ रुपए कोविड रोकथाम के लिए, प्रत्येक ग्राम पंचायत को लगभग 8 करोड़ रुपए। सरपंच से इस राशि का समुचित उपयोग करने के लिए कहा गया। कोरोना की रोकथाम के साथ ही अच्छी गुणवत्ता के स्थायी प्रकृति के विकास कार्य करवाए जाएं। जल और स्वच्छता संबंधी कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता। प्रदेश में ग्राम पंचायतों को उपलब्ध करवाई गई राशि से ग्रामों में पेयजल की व्यवस्था के अंतर्गत नल जल योजना का संधारण। पेयजल प्रदाय के लिए पाइपलाइन विस्तार, मोटर पंप क्रय करने और पेयजल टंकी निर्माण इत्यादि कार्य। इसी प्रकार अधोसंरचना विकास के अंतर्गत सीसी रोड, पक्की नाली निर्माण, रपटा पुल पुलिया निर्माण, बाउंड्री वॉल, पेवर ब्लॉक सड़क, एलईडी स्ट्रीट लाइट इत्यादि कार्य हो सकेंगे। कार्य अच्छी गुणवत्ता के हों ये सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक कार्य की जियो टैगिंग भी करवाई जाएगी। पंच परमेश्वर योजना में गाँव के ही लोगों को रोजगार से जोड़ा जाए, सरकार इस दिशा में तेजी के साथ काम कर रही है। यही कारण है कि इसके तहत अलग अलग प्रकृति के काम लोगों को मिले हैं और सभी सरकार की इस योजना की सराहना कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योजना लाभकारी है और सब कुछ गांव में ही काम मिल रहा है। इसके अलावा बाहर नहीं जाना पड़ रहा, अपने परिवार का जीवन यापन हुआ, गांव वालों को भी सबको काम मिल रहा है, रोजगार सबको मिल रहा है। मुख्यमंत्री जी के काम सराहनीय है। पूरे गाँव में मुझे एवं मेरे पूरे गाँव के मजदूरों को मिल रहा है। मुख्यमंत्री द्वारा ये कार्य चलाया जा रहा है जिसके कारण हम जीवन यापन कर रहे हैं। मंत्री की योजना से तालाब मलाब सब खुद रहे हैं, पंती भी खुद रही, तो कहीं जाना नहीं पड़ रहा है हमारे लिए। मुख्यमंत्री ने अच्छी योजना चलाई है, बाहर बास काम करना भी नहीं जाना पड़ रहा है इसलिए। प्रदेश की शिवराज सरकार लगातार प्रदेश के विकास के साथ ही लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रही है। निश्चित तौर पर कोरोना महामारी के बीच प्रदेश एक बार फिर तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर है। न्यूज़ वर्ल्ड डेस्क। और इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर का। छत्तीसगढ़